देखिए, ठंड का मौसम आ चुका है। आज बनाएंगे हम गुड़ पापड़ी। तो हम कैसे बनाते हैं इस तरह की गुड़ पापड़ी, कैसे बनाई हमने ये, चलो वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाई थी मैंने गुड़ पापड़ी एक नए स्टाइल में। राधे राधे, कैसे हो सभी। आज मैं बनाऊंगी गुड़ से और गेहूं के आटे से और ये देसी घी से बनाऊंगी मैं गुड़ पापड़ी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इससे गुड़ पापड़ी, वीडियो पे बने रहिए। हमने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है और इस घी को इसमें डाल देंगे। इस घी हो चुका है बिल्कुल गरम, तो अब मैं इसमें डालूंगी ये गेहूं का आटा जो हमने बड़ा बाउल लिया है। तो हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह आपको इसमें इसे मिक्स कर देना है। देखिए घी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। फिर अब इस पे करेंगे गुड़ ऐड। ये आटा हमारा भुन चुका है हल्का सा, हम इसे और रोस्ट करेंगे। हमारा घी में बिल्कुल मिक्स हो चुका है और हल्का सा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। पर आटे को अच्छी तरह से भून लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे एक नए तरीके से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो उसके लिए मैं पहले कढ़ाई में ये गुड़ गेल लूँगी। गुड़ ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप, जितना मैंने आटा लिया था उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर गुड़ को लिया है। तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा गर्म होने दूंगी। हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है, अब इसे हम और अच्छे से उबाल लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाए। आपको इसको चाशनी नहीं बनाना है वरना आपके गुड़ पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं इसमें जाली नहीं आने दूंगी, कोई तार नहीं आने दूंगी और ऐसे ही करके मैं इसमें डाल दूंगी आटा। हमारी बनके बिल्कुल तैयार है चाशनी। आपको तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ बगैर तार वाली बनानी है। मैं इसमें डाल दूंगी सूखा नारियल जिसे आप खोपरा भी बोलते हो, उसे कर लूंगी मैं मिक्स। आप चाहे तो इसमें मूंगफली कुछ भी ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे नारियल ही ऐड करूँगी। आटा आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे चलाते जाना है एकदम से। मैंने सारा आटा डाल दिया है इसमें, अब इसे हम चला देंगे। आपको गैस को मीडियम कर देना है। मैंने इसे मिक्स कर लिया है आटे को और गुड़ की पात को, इसमें ही मैंने नारियल डाल दिया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे या कोई परात ले लीजिए आप, या कोई ट्रे ले लीजिए। मैं इसे परात में निकालूंगी या थाली में निकालूंगी, दिखाती हूँ आपको किस में निकालती हूँ। आपको भी इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है, तब परात में या थाली में आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक थाली ले ली है, उसमें लगाऊंगी मैं ये घी। आप घी में मक्खन का भी ले सकते हो ताकि गुड़ पापड़ी हमारी इसमें चुपके नहीं, अच्छे से उतर के बाहर आए। तो चलो देख लेते हैं। मैं डालूंगी इसमें इस मिक्सर को, देखिए आपको भी इस तरह से ही सारे मिक्सर को डाल देना है। मैंने सारा मिक्सर निकाल लिया है, ये है गरम, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसे करना है ताकि आपके हाथ ना जले। आपको इस तरह से इसे थाली में निकाल कर लगा लेना है। गरम है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, आप भी इस तरह ही इसे सारी थाली में इस तरह फैला लीजिए। गरम है तो मैंने इसको ले लिया है, देखिए किस तरह से बन चुका है। मैंने हाथ की मदद से इसको सेट कर लिया है। अब इसमें मैं सूखा हुआ नारियल ऊपर से डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आए, देखने में अच्छा लगे। और इनको भी हम हल्के से हाथ से दबा देंगे
और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। 5 मिनट बाद हमारा गुड़ पापड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो इसे हम साइड रख देते हैं, चुके हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट बाद मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे 5 मिनट बाद भी कर सकते हो कट, पर मैं यहाँ पे इसे 2 मिनट बाद ही कट कर रही हूँ। छोटे छोटे पीस बना लूँगी इसके। देखिए इस तरह ही मैं सभी गुड़ पापड़ियों को काट कर दिखाती हूँ आपको। गुड़ पापड़ी हमारी कट चुकी हैं, अभी मैं 2 मिनट के लिए और रखते हैं रेस्ट के लिए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसी बनी है मेरी गुड़ पापड़ी। देखिए हमारी गुड़ पापड़ी बनकर तैयार है, तो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। देखिए कुछ पीस मैंने निकाल दिए थे, देखिए। तो आप भी अपने घर जरूर बनाना इस तरह की गुड़ पापड़ी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। देखना किस तरह से ये निकल कर बाहर आ रही है। तो आप भी अपने घर इस तरह की गुड़ पापड़ी ज़रूर बनाना। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना।